घबराकर कोशिश कर रही, लेकिन अपनी मौत को अंदर आने से नहीं रोक पाऊंगी। मैंने तुमसे वादा किया है और मैं अपना वादा निभाकर रहूंगा। आज किसी एक की जान तो जरूर जाए, जरूर जाए। चाबी भर रहे थे कि मैं तेरे खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं तो चली पा रही। डैड, इट्स मी पुरु। क्या बड़बड़ कर रहे हैं आप? बेटा एक बात बता, अपने बाप को इतना सा भी प्यार करता है तू? कॉज दैट, आई लव यू। कट्टा, आई लव यू। ऐसा होता ना तू मेरे को ऐसे ठाए ठाए करके हार्ट अटैक थोड़ी देता। पहले पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ। हाँ हाँ, जैसे हम तो यहाँ पूरी रात घोड़े बेच के सोए हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि गोली मार। ओए तू ये बता, तेरे को कौन सा जरूरी काम था जो मेरी नींद खराब की तूने? डैड, आई डोंट नो यार, सुबह हो गई और प्रीति भाभी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। मुझे ना कुछ डाउट हो रहा है। देख बेटा, ये जो डायने और चुड़ैले होती है ना, इनका तो काम ही यही होता है, इनका बिजनेस है ये। पूरी रात खुद तो जागती हैं, दूसरों की भी नींद आराम करती हैं। बस एक बात बता, तू क्या कमरे के अंदर ताका जाकी करने का प्रॉब्लम बना रहा है? प्लीज पुरु, अगर हमें कोई उस नागिन से बचा सकता है तो वो सिर्फ प्रीति जी हैं। तो तुम प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे कि वो गुस्सा हो जाए। ओके? अपनी, मैंने जानने की कोशिश की थी, मैं उनके कमरे के बाहर भी गया था, पर कमरे के अंदर से सिर्फ मंत्रों की आवाज आ रही थी। खोते दा पुत्र है, खोते दा पुत्र है। और तेरे को पता है ना, अंदर वो तपस्या कर रही है तो अंदर से डांस की आवाज आएगी, डीजे चलने की आवाज आएगी, मंत्रों की आवाज आएगी ना। वैसे एक बात तेरे को बता दूं, भगवान अगर टांगे लंबी दे ना तो जरूरी नहीं कि बीच में अड़ाई जाए। अपना काम कर, कहीं ऐसा ना हो नागिन से पहले डाय नहीं मार बोल के खत्म करे। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। छुप के वार करने में कोई बर्दाश्त नहीं है।